दोस्तों आज फिट करने जा रहे हैं हम हमारे जायफर के स्पीकर यहाँ पे रखे हुए हैं, ये देख लो। और टेस्टिंग चल रही है बेसिकली आज। तो ये हमारी अल्ट्रासब की कैबिनेट है, स्पीकर भी दिखाने वाला हूँ कौन से स्पीकर रहने वाले हैं, जायफर कंपनी के ही। और फिटिंग विटिंग के लिए अभी पीछे से ना हमने इसमें से बैक प्लेट खोल चुके हैं, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये बैक प्लेट यहाँ से खोल चुके हैं। अब खोलने के बाद जो बैक प्लेट का आगे का काम होता है वो होता है यहाँ पे सॉकेट का सना। सॉकेट बेसिकली आप लोग पूछते हैं कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये है, ये देख लो राइस का आता है, ठीक है क्वालिटी, मतलब इस प्राइस में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन कम भी एक्सपेक्ट नहीं होता इससे, क्वालिटी वाइज ठीक रहता है, शिकायत नहीं आती है इसमें आपको ना। पेच ऑलरेडी मिलते हैं, ये देखो एक बार फाड़ के दिखाइए, और ये एक फाड़ के दिखा, ये देखो इसमें से पेच भी आपको मिलेंगे। और इसके अंदर का जो पीछे का नट है ना, वो नट आपको ऑलरेडी यहाँ पीछे फिट मिलेगा, तो अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। वन पैकेट में आपको चार नट और दो सॉकेट मिल जाएंगे, कुछ इस प्रकार से ये टाइट हो जाता है। फिलहाल में अभी ये टाइट हो गए, इस पर शोल्डिंग होगी जब तक वो बेस की ग्रिल व्रिल खोली जा रही है। यहाँ पे देख लो कि बेस की ग्रिल जो है खोली जा रही है। उसके बाद खोलने के बाद यहाँ पे फिर वायरिंग करेंगे स्पीकर में, आपको भी खोल के दिखाता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो ये ग्रिल जो है वो खुल चुकी है। खुलने के बाद आप सभी को तो मालूम है कैबिनेट की क्वालिटी के बारे में, यहाँ पे बाकी एलंकी वलंकी सारा फिट रहता है। और हमेशा से यार कैबिनेट की क्वालिटी पे ना मेरे को लगता ही था कि यार नहीं, इम्प्रूवमेंट करनी है, कुछ तगड़ा बनाना है, तो वही है, यही हम ध्यान रखते हैं कैबिनेट का। क्वालिटी देख लो, ये कैलिब्रेटेड प्लाई है, कस्टम मेड प्लाई जिसे हम कहते हैं, हमारी कस्टम मेड प्लाई रहती है। मार्केट में इसको सब बर्च करके बेचते हैं, क्योंकि फेस इसका वाइट रहता है, कोर पूरे जैसे बर्च के होते हैं वैसे कोर रहते हैं। जेन्युइन से एक चीज़ बताऊँ आपको, मार्केट में जितने भी लोग बर्च बेच रहे हैं ना, 99% आपको डुप्लीकेट ही दे रहे होंगे। उसका रीज़न यह है कि जब से यूक्रेन रशिया की वॉर हुई है ना, या स्टार्ट है अभी भी, वहाँ से तब से एक तो बर्च के रेट बढ़ चुके हैं, दूसरा माल आना बंद हो गया, तो पता नहीं कहाँ से बर्च आ रहा है। कोई नहीं, इस पर एक सीक्रेट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, वियतनाम मेड बर्च। जिन लोगों को मालूम है वो ज़रूर नीचे कमेंट बताना कि वियतनाम से कैसे बर्च आ रही है, और उसको रशिया मेड इन रशिया कैसे कैसे बेचा जा रहा है। खैर बाद की बात है, फिलहाल में अभी गैसकेट लगाया जा रहा है स्पीकर होके यहाँ पे साइड में, ताकि एयर वेंटिलेशन जहाँ से दे रखा है बस वहीं से हो और कहीं से ना हो, वही काम अभी कर जा रहा है, ये गैसकेट होता है। फिलहाल में अभी ये तो हो जाता है, अभी मैं चलो बैक प्लेट यहाँ पे फिट करता हूँ, यानी वायर लगाता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, अच्छी शोल्डिंग करने के लिए आप आपके स्पीकॉन या सॉकेट की लाइफ बढ़ा सकते हो। जब भी आप सॉकेट पे शोल्डिंग करो तो इस पे ज़्यादा हीट ना जाए, पहले आपको आयरन पे शोल्डिंग ले लेना है, ठीक है ना, एक शॉर्टन अमाउंट पे, यानी एक अच्छे अमाउंट पे, ताकि डायरेक्टली रहे। और इस वाली वायर को, यानी शोल्डिंग वायर को, आपको इस पे टच रखना है, क्योंकि इस पे जो वैक्स चढ़ा होता है ना, या फिर कह लीजिए जो शोल्डिंग पेस्ट चढ़ा होता है इस पे एक, तो वो आसानी रखता है, ये दो धुआं रहे ना बह हो गया, इस तरीके से करना है। चलो मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ। 1-1+ रहता है, एक सर्टेन अमाउंट पे आपको शोल्डिंग ले लेनी है अपने शोल्डिंग आयरन पे, और शोल्डर वायर को टच करके और रखना है, बस हो गया। इस पे ज़्यादा हीट ना जाए, हीट नहीं जाएगा तो उसका फ़ायदा ये है कि ये जो सॉकेट, ये जो पिन्स है ना, ये हिलेंगे नहीं जी, ये अगर हिले नहीं तो फिर इनकी लाइफ ज़्यादा रहती है। बाकी हिलने पर ही साउंड ख़राब आता है, या फिर स्पीकर हिलता है तो ही यहाँ पर प्रॉब्लम आपको आता है, अदरवाइज ये वैसे ओके रहते हैं। और बाकी खैर कंपनी कंपनी का वेरी करता है, न्यूट्रिक सबसे बेस्ट बनाता है, अगर आपका बजट ठीक है तो हम न्यूट्रिक डाल लो, ठीक है। और बाकी हम यहाँ पे राइस की यूज़ करते हैं, ये भी ठीक है, इनमें भी राइस में भी अच्छी क्वालिटी है, बेकार क्वालिटी आती है, लेकिन मैं चूज़ करके लाता हूँ भाई, सारी चीज़ें सोच समझ के उसके बाद ही हम लगाते हैं। वायर जो है बेसिकली इसके अंदर 4 square mm का हम लगाते हैं बेस में, बेस का वायर मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ। ये देख लो दोस्तों, ये है 4 square mm। तो 4 square mm का आपको फ़ायदा जो है ये रहता है कि कभी भी बेस में आपको मतलब ऐसा लगे नहीं कि बेस दब रही है। कई बार ये होता है ना कि आप 1.5 mm के वायर पे बेस चला रहे हो, पहले मैं भी ऐसे ही करता था जब मैं रेंटल पे था, ऐसा मालूम ही नहीं था अपने को, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ है। वायर बेसिकली मैं तो ये कंपनी का वायर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको सजेशन ये है कि ये इतने इजीली तो वहाँ मिलेगी नहीं आपके पास, बंडल ही मिलता है, तो उतना महंगा खर्चा क्यों करना। जो आपकी हैवल्स की, पॉलीकैप की, फैलकॉन की ये वायर्स आती है ना जो घरों में लगती है, 4 square mm की, वो वायर ले लो, उसमें भी काम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल मैं अभी मैं इसको शोल्डिंग करता हूँ और उसके आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी अनबॉक्सिंग करते हैं हमारे जायफर के स्पीकर को।
फर्स्ट टाइम आप देखने जा रहे हो, और सबसे अच्छी बात कि डीजे व्लॉग चैनल से पहले ही आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या कहने, एक ग्लिम्स है, ग्लिम्स क्या मैं कहूँगा, एक मतलब अभी बिहाइंड द सीन ही है समझ लो। ये लो आ गया स्पीकर, 1700 वाट RMS पावर, 18 SW, 170, 8 ohms स्पीकर, मेड इन इंडिया, एब्सोल्यूट ऑडियो बाय ज़ाइफ़र लैब्स। निकाल लो स्पीकर जरा एक बारी, गत्ता हटाइए और निकालो, ऊपर निकालो, हल्का है, ज़्यादा वेट नहीं है इसमें। बोलो ये लो दोस्तों स्पीकर, और वाकई मतलब लग ही नहीं रहा कि ये इंडिया में बना हुआ है, फिनिशिंग इसकी ऐसी है, क्वालिटी ऐसी इसकी ऐसी है। ये है स्पाइडर, ये देखो सैंडविच स्पाइडर बोलते हैं इसको, पूरा क्वालिटी देख लो। चलो इसको अभी हम फिट करते हैं फिर कैबिनेट में। दोस्तों यहाँ पे हो चुकी हैं बेस फिट, अभी आप देख सकते हैं इसको रखा जा रहा है इसकी लोकेशन पे ताकि टेस्ट कर सकें, और दोनों ही बेस कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद इसके अंदर जो स्पीकर डाले हैं वो तो दिखा चुका हूँ, अभी जो टॉप भी है ना तो वो भी हम यहाँ पे ज़ाइफ़र की यूज़ कर रहे हैं। ये ज़ाइफ़र के हमने 15 इंच के स्पीकर का फिट करा, बेसिकली स्पीकर यहाँ रखा हुआ है ये स्पीकर, तो ये हमने स्पीकर इसके अंदर टॉप के अंदर ऑलरेडी फिट कराए हैं, और इस पर टॉप रख के बेसिकली मेन हमारा टेस्टिंग जो है ना वो है सिर्फ बेस का। तो अभी मे भी हो सकता है हम एक टॉप रख के देख लेते हैं, ये दो टॉप रखते हैं, चलो देखते हैं अभी, और फिर ज़ाइफ़र के ही सारा एम्प रखेंगे, क्वालिटी फिर एक जैसा निकलेगा, क्योंकि इसके एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ट करा जाता है, इनको एम्पलीफायर से ही टेस्ट करा जाता है, तो एग्जैक्टली मालूम चल जाता है। चलो फिर देखते हैं अभी। उसको हम परमानेंट छोड़ देंगे यहाँ पे, ताकि कोई डैमो में वो लेने आता है, सुनने आता है, या किसी को बिल्कुल ही तुरंत के तुरंत रेडी चाहिए, तो इस वजह से हम छोड़ देते हैं वहाँ पे। वो ग्रिल है, इस पे लगा दी जाएगी यहाँ पे सही से। कपड़ा भी ले आइए, कपड़ा थोड़ा साफ़ कर लेंगे, गंदी हो रही है, बैठ गई ना, ठीक है बैठ गई। पेस मशीन लगा के बढ़िया से टाइट कर दो इसको ना, कपड़ा 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 दे, कपड़ा दे, कपड़ा कपड़ा यहाँ मार दो, दोस्तों गोडाउन पे आ चुके हैं, पैक करके इस पर रैपिंग कर दी हमने ताकि इस पर कोई गर्दा ना आ जाए, और ये गोडाउन के अंदर अभी हम रख देंगे, यहीं पे रखी रहेगी फिलहाल में। और भी मॉडल्स हैं, ये 21 इंच आए हुए हैं, ठीक है तुम लोग चले जाओ, ये यहीं हूँ मैं, ले आओ दूसरी, जब तक मैं यहीं हूँ, तो ये मॉडल है। बाकी इसमें एक मॉडल और आया है जो कि 1500 वाट का फ्राइट का मॉडल है, ये 1500 वाट फ्राइट का एक मॉडल है, और यहाँ पे जो है ये है 1700 जो अभी आपने देखा, और बाकी 15 इंच के तो ये रखे हैं, तो अलग अलग मॉडल इसके अंदर मिलते हैं। और आई एक नई चीज़ और है जो हमारे पास आई है मटेरियल, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों का काफ़ी लोगों का यहाँ पे डिमांड था कि जो है वो डास्का दिखाओ भैया, ये है यसिका बाई डास्का, ये देखो यहाँ पर मैं चले यसिका डास्का, डास्का के स्पीकर, और इसका ही एम्पलीफायर भी आया है मेरे पास, एम्पलीफायर मेरे ख्याल से यहाँ रखा हुआ, ये देख लो, और बहुत जल्दी इसको भी हम टेस्ट करेंगे डास्का को, और अगर आपको चाहिए हो ना तो इसका व्लॉग आप हमें बताना। बाकी मटेरियल में अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास अलग अलग है, आपको अगेन बता दिया मैंने, तो इनका भी इन फ्यूचर जो टेस्टिंग कंप्लीट होते हैं आपको मेन चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। बाकी चैनल को भैया सब्सक्राइब करो, इसको तो खास करके कर लो, बिहाइंड द सीन्स आपको सभी को मालूम चलते रहेगी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है,
और मेन चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करो जो नए आ रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे 1 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं बहुत जल्दी। गोल्डन प्ले बटन, सॉरी सिल्वर नहीं, सिल्वर आ चुका है, गोल्डन प्ले बटन भी आने वाला है, उसका भी एक व्लॉग मैं आपको दूंगा। कि कई लोग ये सोच रहे हैं कि इस चैनल पे रह के आप 1 मिलियन कैसे हो गए, तो भैया वो दूसरा चैनल है, तो दूसरे चैनल भी आ, लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो 1 लाख तक, बिल्कुल मतलब तेज़ी से लेके जाओ उसको भी। अपने को 2 सिल्वर प्ले बटन चाहिए, उसके बाद और देखेंगे और क्या नया आएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे नेक्स्ट वीडियो के या फिर ब्लॉग में।